हेलो एवरी वन माई सर प्रिया गोयल सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एम्स नॉर्थ से ट्वेंटी ट्वेंटी मॉर्निंग शिफ्ट एग्जाम सो इन दिस वीडियो वी विल कवर ऑल टू हंड्रेड क्वेश्चन और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द ट्वेंटी क्वेश्चन डेट इज़ जनरल एप्टीट्यूड और जनरल uh, एप्टीट्यूड और मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ सी ई ऑफ गूगल इज सुंदर पिचाई डायरेक्टर ऑफ एम्स रणदीप गुलेरिया इमेज बेस्ड क्वेश्चन था तीसरा चौथा क्वेश्चन पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन था पांचवा क्वेश्चन राइफल का क्वेश्चन था कि राइफल कहाँ लैंड हुई थी तो अंबाला इसरो का क्वेश्चन आया था देन बेनिफिट और लॉस का क्वेश्चन आया था जिसका आंसर फाइव परसेंट था देन अगला क्वेश्चन कोडिंग और डी से था जिसका आंसर जीरो था नेक्स्ट क्वेश्चन एट से रिलेटेड था जिसका आंसर टेन था नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर जिसका आंसर प्रिंटर था अगला क्वेश्चन था कि जिससे मोबाइल फ़ोन एंड्रॉयड से रिलेटेड होता है तो कंप्यूटर से रिलेटेड क्या होगा तो जिसका आंसर विंडो था अगला क्वेश्चन सीक्वेंस से रिलेटेड था जैसे कि आर्ग्यूमेंट नाइफ देन मर्डर देन पुलिस एंड जेल अगला क्वेश्चन तुर्की ऑफ प्रेजिडेंट तुर्की ऑफ प्रेजिडेंट पूछा गया था नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है जिसका आंसर माइक्रोसॉफ्ट था अगला क्वेश्चन था कि एम पी स्टेट की बाउंड्री को कौन सा स्टेट टच नहीं करता है जिसका आंसर उड़ीसा था अगला क्वेश्चन इमेज बेस्ड था जिसमें कलरफुल डायग्राम्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था अगला क्वेश्चन डायरेक्शन से रिलेटेड था जिसका आंसर नॉर्थ वेस्ट था अगला क्वेश्चन अनियन और पोटैटो से रिलेटेड था जिसमें जिसका जिसमें यह बताया गया था कि ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से लिंक्ड हैं अगला क्वेश्चन क्यूब से रिलेटेड था अब हम बात करते हैं नर्सिंग सब्जेक्ट के वन एटी क्वेश्चन की सो पहला क्वेश्चन है लोराजी पाम चैलेंज टेस्ट ये जो है कैटाटोनिया के, के लिए किया जाता है अगला क्वेश्चन था क्लोजापिन जिस जिसमें पूछा गया था कि इसका साइड इफेक्ट क्या होगा तो न्यूट्रोपिनिया अगला क्वेश्चन था कि लिग्नोकिन किस में यूज़ की जाती है जिसका आंसर था वेंटुकुलर अरिदमिया अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक बच्चा है जिसको एपिनेफरिन चल रहा है तो नर्स आफ्टर द एपी क्या चेक करेगी तो प्रोफाइन टेकि अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक साइकेट्रिक पेशेंट है जिसको टी चल रहा है और अभी उसको डिस्चार्ज करना है तो जो नर्स इंटरवेंशन क्या होगा ड्यूरिंग द डिस्चार्ज समरी तो इसका आंसर होगा कि जो टी है उसकी ओवरडोज से सुसाइडल थॉट्स आते हैं तो हमें अवॉइड करना है कि उसकी टी की ओवरडोज ना ली जाए नेक्स्ट क्वेश्चन था मेंटल हेल्थ पॉलिसी 2017 के अठारवें सेक्शन के अंडर क्या आता है तो जिसका आंसर था कि एक हफ्ते के अंदर हम दो साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं नेक्स्ट पूछा गया था कि लिथियम किस फॉर्म में दिया जाता है जिसका आंसर था लिथियम कार्बोनेट नेक्स्ट क्वेश्चन साइकेट्री में डिफेंस मैकेनिज्म से पूछा गया था जिसमें सप्रेशन के बारे में पूछा गया था अगला क्वेश्चन फ्विटल हार्ट रेट के बारे में पूछा गया था जिसका आंसर होगा 120 से 160 सौ पर मिनट अगला क्वेश्चन था जिसमें एक ड्रेसिंग की फोटो दी गई थी जिसमें पूछा गया था कि इसमें कौन सा मेटल यूज होता है जो कि बेक्ट्रोसाइडल का, का काम करता है जिसका आंसर जाएगा सिल्वर नेक्स्ट क्वेश्चन सिडेशन सिंड्रोम से था जिसका एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे याद नहीं है अगला क्वेश्चन था कि एक पेशेंट है जिसको कैंसर हो गया और अभी उसको सीवियर डायरिया हो रहा है तो इसमें नर्स क्या इंटरवेंशन करेगी तो आंसर होगा कि नर्स पर्टिकुलर एरिया को क्लीन करके ऑइंटमेंट अप्लाई करेगी अगला क्वेश्चन बाइपोलर डायग्नोस डायग्नोसिस से रिलेटेड था जिसका आंसर ये जाएगा कि अगर तीन महीने के अंदर पेशेंट को थ्री एपिसोड्स ऑफ सिम्टम्स आएंगे तो हम उसको बाइपोलर डायग्नोस करते हैं अगला क्वेश्चन था कि एक पेशेंट है जिसको एड्स हो गया है और अभी उसे कुछ दिनों से कफ की हिस्ट्री है तो नर्स क्या इंटरवेंशन करेगी तो इसका आंसर जाएगा कि नर्स जो है और ज़्यादा हिस्ट्री लेगी बिकॉज पेशेंट जो है रिस्क पे होगा टीबी और जीरो सिस्टिक न्यूमनाई के अगला क्वेश्चन इमेज बेस्ड था जिसमें पिंक कलर का कैनोला दिया हुआ था जिसमें पूछा था कि कौन से नंबर का है तो ये बीस नंबर का होगा नेक्स्ट था कि एक पेशेंट है जिसको एपिस्टेक्सिस हो रहा है तो आप उसमें कौन सी मेडिकेशन अवॉइड करेंगे तो हिपेरिन नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कौन सा साइड इफेक्ट है क्लोरम फेनिकोल का तो ग्रे बेबी सिंड्रोम नेक्स्ट एक एक्सरे की इमेज दी गई थी जिसमें पूछा गया था कि क्या शो कर रहा है जिसका आंसर था न्यूमोथोरेक्स नेक्स्ट पूछा गया था कि इर्गोमेटन किस में यूज़ होता है जिसका आंसर था पी यानी कि पोस्टमार्टम हेमरेज आगे पूछा गया था कि साइनोटिक स्पैल या ब्लू टेट स्पेल जिसको हम बोलते हैं वो किस में देखने को मिलते हैं जिसका आंसर जाएगा टी ओ एफ यानी टेट्रोलॉजी ऑफ फैलो नेक्स्ट पूछा गया था कि कौन सा टेस्ट है जो प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इंडिकेटेड होता है जिसका आंसर जाएगा सिटी नेक्स्ट एक इमेज दी गई थी और पूछा गया था कि ये क्या है तो वो सी स्कैन की इमेज थी नेक्स्ट एक नीडल की इमेज थी जो पूछा गया था कि ये क्या है तो वो वेरिज नीडल थी नेक्स्ट एक सर्जिकल ब्लेड का नंबर पूछा गया था कि कौन से नंबर का ब्लेड है तो वो बारह नंबर का ब्लेड था नेक्स्ट एक ई दी गई थी जो एबनॉर्मल ईसीजी थी और उसमें पूछा गया था कि इसके ट्रीटमेंट में हम कौन सी मेडिकेशन यूज करेंगे तो जिसका आंसर जाइलोकेन जाएगा नेक्स्ट सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट से पूछा गया था जो कि हमारा साइन इन टाइम आउट और साइन आउट होता है जिसमें एग्जैक्ट ऑप्शंस मुझे याद नहीं है बट इसमें आंसर एंटीबायोटिक वाला जो ऑप्शन था वो उसका आंसर जाएगा नेक्स्ट सेकेंड से जो फ्लेबर से क्वेश्चन पूछा गया था नेक्स्ट डायबिटीज़ इंसिपिडिस से क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें बोला गया था कि एक पेशेंट है जिसको पोलियूरिया पोलिडिपसिया और ऐसे कुछ सिम्टम्स uh, बताए गए थे कि तो नर्स इंटरवेंशन क्या होगा तो इसका आंसर जाएगा टेक वाइटल साइंस नेक्स्ट पूछा गया था कि वेरिएबल डिस हम कितने से कम वालों को बोलेंगे तो इसका आंसर जाएगा लेस देन हंड्रेड बीट्स पर मिनट नेक्स्ट पूछा गया था कि इनमें से कौन सा क्लोना का साइड इफेक्ट नहीं है तो इसका आंसर जाएगा ईपीएस यानी एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स नेक्स्ट पूछा गया था कि हु इज द फाउंडर ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी तो आंसर होगा हैंडरी डोनेट देन जैक्सन ड्रेनेज यूज इन एबडोमिनल सर्जरी पी टी एच हार्मोन मेंटेन्स द कैल्शियम एंड फोस्फेट लेवल इन अ बॉडी देन मैकपर्नी पॉइंट एक्यूट अपेंडिसाइटिस नेक्स्ट पूछा गया था कि सीवियर पेन इज सीन इन सेकेंड डिग्री ऑफ बर्न देन कॉर्निया डोनेशन इन कैडेवर कैन बी डन वन टू सिक्स आवर्स सो इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली सिक्स आवर्स ही जाएगा ट्यूबरक्स ट्यूबरक्लोस मेडिकेशन इज कौन टाइम इंडिकेटेड प्रेगनेंसी तो इसका आंसर स्टेप्टोमेसिन जाएगा देन पूछा गया तो क्विकनिंग तो इसका आंसर वैसे तो सिक्सटीन टू एटीन वीक जाएगा बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका आंसर फोर्टीन टू सिक्सटीन वीक होगा देन साइलेंट एम आई सीन इन द डायबिटीज पेशेंट देन पूछा गया था कि हम किसी पेशेंट में एब्डोमिनल असेसमेंट में सबसे पहले क्या करेंगे तो इंस्पेक्शन देन पी सूचर के बारे में पूछा था तो ये सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल सूचर होंगे देन एबोशन के बारे में पूछा था कि सर्विक्स क्लोज है और नॉर्मल जो उसका यूट्रस है तो वो थ्रेट अबोशन होगा उसके बाद पूछा था कि ब्लू पाइपलाइन क्या इमेज था कि क्या शो करता है तो वो नाइट्रस ऑक्साइड था देन जो ओ टी में स्क्रबिंग होता है वो किसका एग्जाम्पल है तो उसका आंसर फिजिकल डिसइनफेक्टेंट होगा देन हीट सेंसिटिव वैक्सीन जो जिनके ऊपर वी वी एम होता है उसके बारे में पूछा था तो वो वैक्सीन वाइल मोनिटर होगा अगला क्वेश्चन भी इम्युनाइजेशन से था जिसमें पूछा गया था कि जो टेम्परेचर जो लो टेम्परेचर वैक्सीन होती है वो कौन सी होती है तो वो लाइव वैक्सीन्स होती हैं नेक्स्ट पूछा था कि कौन सा जो स्नेक है जिस जिसका विनम जो है डी कोस कोर्स करता है तो इसका आंसर अच्छा वाइपर जाएगा नेक्स्ट पूछा गया पूछा गया था कि कोई एक पेशेंट है जिसको डी हो गया है तो आप उसके लिए कौन से डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो जिसका आंसर पी और आई जाएगा नेक्स्ट एक इंटस्टाइनल गैंग्रीन गैंग्रीन ऑफ इंडस्टाइन का इमेज दिया गया था तो पूछा गया था कि ये क्या है नेक्स्ट पूछा गया था कि फालोपिन ट्यूब का फंक्शन क्या है तो फर्टिलाइजेशन जाएगा नेक्स्ट निकोटीन का एडवर्स इफेक्ट पूछा गया था देन एवी फेस्टूला की पेटेंसी के बारे में पूछा गया था तो इसका आंसर जाएगा टू चेकअप ब्रूट साउंड देन डीपोलराइजेशन के बारे में पूछा गया था तो इसमें कौन सा आयन हेल्प करता है तो इसका आंसर सोडियम जाएगा देन इलेक्ट्रिशन के दौरान किसी लेडी को कितनी कैलोरीज की जरूरत होती है तो इसका आंसर होगा फाइव हंड्रेड देन पी की इमेज थी तो पूछा गया था कि ये किस में यूज होता है तो ड्यूरिंग फीवर देन कोर्ट प्रोलेक्ट्स में कौन सी पोजिशन दी जाती है डेट इज अ टेंडनबर्क पोजीशन अगला रिवर्स टेंडनबर्क पोजीशन की इमेज दी थी और पूछा गया था कि ये क्या है देन ई आया था जिसमें चार ऑप्शन से और पूछा गया था कि इनमें से क्या नहीं करेंगे एक्सेप्ट पूछा था तो हम एंटी कन्वर्जेंट नहीं देंगे बिकॉज इसी टी में तो खुद कन्वर्जेंस को क्रिएट किया जाता है देन पूछा गया था ग्लूकोज सिक्स फोस्फेट डिफिशेंसी में कि इनमें से कौन सा हिमोलाइटिक आरबीसी को कोस कराता है तो इसका आंसर जेसिक्स पीढ़ी जाएगा देन ऑक्सीट ऑक्सीटोसिन कहाँ से सिक्रेट होता है पोस्टरपिट्यूट्री देन पूछा गया था अनस्थीशिया से जो एनेस्थीशिया मशीन है उसकी इमेज दी गई थी कि ये क्या करती हैं तो ये क्या करती है मेंटेनेंस ऑफ अनैस्थीशिया कराती है देन एकज है एक बच्चे में तो इसमें नर्स क्या इंटरवेंशन करेगी तो एक्रोसाइनसिस जो है नॉर्मल फिनोमेना है कुछ टाइम के बाद ये अपने आप डिसर हो जाता है तो नर्स उसमें कुछ भी स्पेसिफिक इंटरवेंशन नहीं देगी देन एक क्वेश्चन बेड्सोर से पूछा गया था जिसमें जो इसका न्यूट्रिशन वाला ऑप्शन है वो जाएगा कि इनमें से क्या रिस्पॉन्सिबल नहीं है बेडसोर के लिए तो जो न्यूट्रिशन है वो बेडसोर नहीं कोस कराता है तो ये इसको आंसर जाएगा देन टेम्पोरल पल्स की इमेज आई थी देन टिबियल पल्स के बारे में पूछा गया था नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कोई एक पेशेंट है जिसको ह्यूमरस फ्रैक्चर हुआ है और उसको अभी प्लास्टर किया है तो नर्स इंटरवें नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा तो आप सबसे पहले जो उधर की फिंगर्स हैं डिजिटल फिंगर्स हैं उनका मूवमेंट चेक करेंगे कि कहीं कोई कंस्ट्रिक्शन तो नहीं है नेक्स्ट पूछा गया था कि पेरिटोनियन डायलिसिस का कॉम्प्लिकेशन क्या होगा तो इसका कॉम्प्लिकेशन पेरिटोनाइटिस होता है जिसमें क्लाउडी कलर का फ्लूड अपियर होता है नेक्स्ट कोरोना के बारे में पूछा गया था कि उसमें स्टेटमेंट थी कि कोरोना इज़ ए अपीडेमिक तो ये गलत स्टेटमेंट थी क्योंकि कोरोना पैंडेमिक है देन कोरोना कहाँ से स्टार्ट हुआ ये पूछा गया था वुहान से देन क्वेश्चन था कि जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करते हैं तो उसके साथ में हम कौन सा फ्लूड उसी वायल से दे सकते हैं तो आंसर जाएगा नॉर्मल से देन लेटरल ग्रिप की इमेज आई थी एयरवे कार्ट पूछा गया था इसकी भी इमेज थी देन एक पेशेंट था जिसकी एग्जलरी लिम्फ नोट काफ़ी स्वोलन थी तो पूछा गया था कि किस टाइप का प्लेग है तो इसका आंसर ब्यूबोनिक प्लेग था देन डैक्रोटिक नोच के बारे में पूछा गया था जिसमें क्या होता है जो एरोटिक नोच एरोटिक वॉल्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं देन एक ईटी ट्यूब की इमेज दी थी जिस पर फाइव लिखा था तो पूछा गया था किस में यूज़ होती है तो ये चाइल्ड में यूज़ होती है देन विटामिन सी की कमी से क्या होता है स्कर्वी ये पूछा गया था देन पोस्टमस बर्थ के बारे में पूछा गया था इफ आफ्टर बर्थ बच्चे की डेथ हो जाती है तो उसको पोस्टमस बर्थ बोलते हैं देन चिटल फोरसेप्स के बारे में पूछा गया था उसकी इमेज दी गई थी देन मोनोपोलर कोटरी की इमेज दी गई थी लीनियर और सर्कुलर दोनों स्टेपलर्स की इमेज आई थी देन पूछा गया था कि एक पेशेंट है जिसमें हिपेटिक एंसरफेलोपैथी हो रही है और हम न्योमाइसिन यूज़ कर रहे हैं तो न्योमाइसिन का क्या एक्शन होगा ये पूछा गया था तो जो न्योमाइसिन है वो जीआई जो जी जीआई जी के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको कम करता है जिसकी वजह से अमो, अमोनिया का प्रोडक्शन कम होगा तो ये उसका ड्रग ऑफ एक्शन होगा देन तो एक क्वेश्चन था कि एक पेशेंट है जिसको ट्यूब लगी है और हम उसकी सक्शनिंग कर रहे हैं बट ड्यूरिंग सक्शनिंग पेशेंट को टेकि कार्डिया हो जाता है तो नर्स क्या इंटरवेंशन करेगी तो नर्स को क्या करना है सक्शनिंग को स्टॉप करना है और उसको ऑक्सीजनेट करना है नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक साइकेट्रिक पेशेंट है जो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो गया तो इसमें नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा तो नर्सिंग इंटरवेंशन यही होगा कि उसको अपनी सेफ्टी के लिए कॉल करना है किसी को भी लोगों को बुलाना है देन नेक्स्ट क्वेश्चन था एनोरेसिस सर कि एन्योरेसिस an के लिए आप क्या करेंगे तो एक ब्लैडर ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसको हम बैलेंट पैड ट्रेनिंग प्रोग्राम बोलते हैं वो इसका आंसर होगा देन पनीशस एनीमिया जो है विटामिन बी ट्वेल्व की कमी से होती है नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक पेशेंट है उसको ओटी में शिफ्ट करना है तो उससे पहले उसके ऑर्नामेंट्स को रिमूव कर दिया गया है तो ये क्यों किया गया क्योंकि कोटरी से बर्न ना हो पेशेंट को इसलिए ये ऑर्नामेंट्स को रिमूव किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो नर्स है उसको सर्जन को सूचर प्रोवाइड करना है तो वो कहाँ से होल्ड करेगी जो सूचर्स हैं ताकि वो सर्जन को प्रोवाइड कर सके तो बॉडी ऑफ द सूचर हमें जो है उसको होल्ड करना होता है नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रग कैलकुलेशन से था जिसका आंसर वन ट्वेंटी एम एल पर आर था नेक्स्ट क्वेश्चन भी ड्रग कैलकुलेशन से था जिसका आंसर टू टैबलेट था नेक्स्ट क्वेश्चन थे जिसमें एक इमेज दी हुई थी थर्टी एट नंबर लिखा होता है तो पूछा था ये थर्टी एट क्या डिनोट करता है तो ये ई टी डिनोट कर रहा था नेक्स्ट इमेज फंडल प्रेशर को शो कर रही थी नेक्स्ट क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था कि जब हम एडल्ट का सी करेंगे तो जो हमारा हैंड है उसकी पोजिशन क्या होगी तो इसका आंसर जाएगा बिलो द निपल ऑफ हैंड नेक्स्ट क्वेश्चन स्किन ग्राफ्ट से रिलेटेड था नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किसी कोई एक बच्चा है जिसके फोन को हमें चेक करना है तो हम उसमें अपराइट पोजीशंस क्यों देते हैं और तो इसका आंसर जाएगा कि ताकि जो फोन हैं उन पर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़े और अगर बच्चा क्राई करने लग जाएगा तो फोन्टानल्स की जो फाइंडिंग है वो हमें गलत पता चलेंगी तो इसलिए हम अपराइट पोजीशन देते हैं देन फैक्चुअस और मेलिंगरिंग डिसऑर्डर जो कि एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है इसमें डिफरेंस पूछा गया था देन एक क्वेश्चन था कि एक पेशेंट है जो पार्किंसोनिज्म का है और वो काफ़ी इरीटेटेड है वो अपनी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग्स अच्छे से नहीं कर पा रहा है तो नर्स उसकी हेल्प कर रही है बट वो नहीं चाहता कि नर्स उसकी हेल्प करे तो नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा तो नर्सिंग इंटरवेंशन यही होगा कि हमें उस पेशेंट को अप्रिशिएट करना है और उसको प्रॉपर टाइम देना है अपनी एक्टिविटीज़ को करने के लिए अगला क्वेश्चन था कि किसी पेशेंट को एंटीसाइकोटिक्स चल रही है और साथ में स्मोकिंग कर रहे थे इन दोनों में क्या रिलेशन होगा तो जो स्मोकिंग है वो एंटीसाइकोटिक के इफेक्ट को कम कर देती है अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हम एक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन किससे बोलेंगे तो जब एक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है और जब वो ख़त्म हो जाता है तो उसके जो ड्यूरेशन है उसको एक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं तो यही इसका आंसर जाएगा देन पूछा गया था कि पैप्समेयर किस लिए किया जाता है तो स्क्रीनिंग फॉर सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप्समेयर किया जाता है देन पैल्विस uh, की इमेज आई थी जिसमें इलियोपेक्टिनियल लाइन को uh, दिखाया गया था कि ये क्या है अगला क्वेश्चन था कि एक बच्चा है जिसमें जोंडिस हो गया है तो आप उसको क्या नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगी तो हमें मदर को बोलना है कि वो बच्चे को हर टू टू फोर आवरली ब्रेस्ट फिट कराए तो ये इसका आंसर जाएगा अगला क्वेश्चन था कि एक पेशेंट है जिसको रेमोटॉइड आर्थराइटिस है और वो अपनी एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं कर पा रहा और अपनी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग नहीं कर पा रहा है तो नर्स उसको क्या इंटरवेंशन देगी तो नर्स उसको इंटरवेंशन देगी कि वो वोम बाथ ले जिससे जो उसके जॉइंट्स हैं उसमें उतनी स्टिफनेस नहीं रहे और वो थोड़ा एक्सरसाइज कर पाए ये इसका आंसर जाएगा एंड नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक पेशेंट है जिसको लेमिनेक्टिमी के लिए भी प्रिपेयर किया जा रहा है बट अभी वो कंप्लेन कर रहा है कि मेरे लोअर लेग्स में पेन है और नमनेस है तो इसमें नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा तो नर्सिंग इंटरवेंशन यही होगा कि वो पेशेंट से कंसेंट फॉर्म साइन कराएगी अगला क्वेश्चन था कि एक पेशेंट है मीन्स एक लेडी है जो स्मोकिंग करती हैं तो नर्स जो है उसको कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव को अवॉइड करने को बोलेगी तो ओसीपी जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पेल्स हैं उनको अवॉइड करने को बोलेगी देन नेक्स्ट क्वेश्चन है माल न्यूट्रिशन तो माल न्यूट्रिशन का बेस्ट इंडिकेटर क्या होता है तो वेट फॉर एज इसका आंसर जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नॉर्मल सीवीपी रेंज कितनी होती है तो फाइव सेंटीमीटर ऑफ इसका आंसर जाएगा अगला पूछा गया था कार्पोपिडल स्वादन के बारे में तो उसका आंसर हाइपोकैल्सिमिया जाएगा नेक्स्ट यूनिवर्सल रेसिपेंट के बारे में पूछा था तो वो ए बी पॉजिटिव होता है नेक्स्ट अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में एक टेक्निक यूज़ की जाती है जिसको हेलमिच मेन्यर बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक पेशेंट एक पेशेंट है जिसकी सर्जरी चल रही है ओटी में और डॉक्टर ने क्या किया है जो ग्लव्स हैं उनको उतार के ब्लू बकेट में डाल दिए हैं तो उसको कौन से बकेट में डालना चाहिए था तो उसको रेड बकेट में जो वो ग्लव्स हैं उसको वो डालने चाहिए थे नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक ट्रस्ट हम किस डिनोट करता है तो जब पेशेंट को जोंडिस हो जाता है तो उसमें जो येलोनेस ऑफ द बॉडी हो जाता है वो एक को डिनोट करते हैं नेक्स्ट इमेज आई थी फ्यूमिगेशन मशीन से रिलेटेड ऑटोक्लेव मशीन से रिलेटेड राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजिशन से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि जब पार्टोग्राफ है आप उसमें जो लाइन्स uh, है वो कब डिनोट करने शुरू करते हैं तो जब सर्विक्स जो है फोर सेंटीमीटर डायलेट हो जाता है तब एक्टिव लाइन इसको बोलते हैं तब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस से रिलेटेड क्वेश्चन आया था नेक्स्ट एक कैथेटर uh, रिमूवल का कॉम्प्लिकेशन था एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे याद नहीं बट जहाँ तक uh, मैंने सुना है इसका आंसर फ्यूमोसिस होगा नेक्स्ट क्वेश्चन सेप्टिक शोक से था नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डिजॉक्सिन जो है और पोटेशियम इन दोनों में क्या रिलेशन होगा तो जो ये पोटेशियम है ये डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी को एनहेंस कर देता है नेक्स्ट दोनों में डिफरेंस पूछा था डिलीरियम और डिमेंशिया नेक्स्ट पूछा था कि कौन सी एंटीसाइकोटिक मेडि, मेडिकेशन है जो हाइपर प्रोलेक्टिनेमिया कराएगी तो इसका आंसर रिस्पेरिडोन होगा नेक्स्ट पूछा था कि एक प्रेग्नेंट लेडी है जिसको यूएसजी के लिए प्लान किया गया है तो आप उसमें इंसुलिन डोज को क्या करेंगे तो हमें इंसुलिन डोज को विदहोल्ड नहीं करना है नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रिज प्रेजेंटेशन से रिलेटेड था कि इनमें से क्या ऑप्शन ब्रिज प्रेजेंटेशन के लिए करेक्ट होगा तो वो स्टेटमेंट मुझे अभी याद नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा माइनर टाइप ऑफ ट्रोमा है तो उसका आंसर को पैसेंजर डेथ ऑफ अ को पैसेंजर होगा नेक्स्ट फर्स्ट वैक्सीन कब डेवलप हुई थी कौन सी डेवलप हुई थी सॉरी ये क्वेश्चन था तो स्मॉल पॉक्स नेक्स्ट था कि एक बच्चा है जिसमें वाइट प्लेक्स नज़र आ रहे हैं तो ये क्या है तो वो ओरल कैंडिडि uh, कैंडिडियासिस था नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्राइमरी प्रिवेंशन का एग्जाम्पल क्या है तो जो ओवर एक्सपोजर टू द सन रेज था वो प्राइमरी प्रिवेंशन का एग्जाम्पल था नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक पेशेंट है जिसकी जुगुलर वेन जो है डिस्टेंडेड है तो ये किस चीज़ को शो कर रहा है तो उसका सीवीपी बढ़ गया है ये इस चीज़ को शो कर रहा है ये इसका आंसर था नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक पेशेंट है उसमें हमें एबनॉमल फाइंडिंग्स बतानी थी तो जो लंग्स के ऊपर डल परकेशन साउंड आ रही है वो एक एबनॉमल एबडोमिनल असेसमेंट था नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक पेशेंट है जो फ्रोसामाइड ओल्ड पेशेंट था जो फ्रोसामाइड ले रहा था बट अभी कुछ टाइम से उसको हियरिंग इशू हो रहा था तो नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा तो जो नर्स है वो डॉक्टर को इमीजिएटली इन्फॉर्म करेगी नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पेशेंट है जिसको फ्रूसामाइड चल रही है तो वो उसको कौन सा डाइट खाने को बोलेगा तो इसमें जो पोटेशियम रिच डाइट होती है वो खाने को बोलना है जैसे कि बनाना उसके बाद बात करते हैं हम सैम्पलिंग फ्रेम की एक क्वेश्चन आया था कि सैम्पलिंग फ्रेम क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है था कि आई एम साइड पे इंजेक्शन लगाया और वहाँ पे उसको बर्निंग और पेन हो गई है तो फिर नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा तो हमें वहाँ पे आई सप्लाई करना है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि लिथियम किस में यूज़ होता है तो लिथियम बाइपोलर डिसऑर्डर बेसिकली मेनिया में यूज़ होता है नेक्स्ट क्वेश्चन टेपियन से रिलेटेड पूछा गया था कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है तो लीवर फेलियर से रिलेटेड कोई ऑप्शन था तो वो इसका आंसर जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन टोट से रिलेटेड था इसमें पूछा गया था कि एक पेशेंट है वो नर्स का नर्स uh, की बात नहीं मानती है uh, तो नर्स उसको धमकी देती है कि वो रिस्ट लगा देगी उसको तो ये किस टाइप का टोट है तो ये जो है असोल्ट है देन uh, पूछा गया था कि पेशेंट है जिसको हाइपरग्लाइसीमिया हो गया तो क्या दिया जाएगा तो इंसुलिन प्लस पोटेशियम उसको दिया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि Uh, एक पेशेंट है जिसको ओ uh, की कंप्लेंट uh, है तो शुरू में वो uh, जो है नर्स uh, और uh, जो डॉक्टर है उनसे खुश नहीं था बट आफ्टर थ्री डेज वो उनसे खुश था uh, उनके साथ अच्छे से बिहेव कर रहा तो क्या रीज़न है तो रीज़न ये है मे बी जो डॉक्टर और नर्स है पेशेंट के साथ कोलेबोरेट कर रहे थे तो ये इसका आंसर जाएगा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डायरिया में ओ के साथ हम कौन सा आयन देते हैं तो जिंक देते हैं अगला क्वेश्चन था कि एक पेशेंट है जिसको बैंडेज होनी है फुट की प्लस काफ मसल्स की तो जो बैंडेज है वो स्टार्ट कहाँ से करेंगे तो इसका आंसर फुट जाएगा अगला क्वेश्चन था कि पेशेंट है जिसको मोफिन स्टार्ट हो रखा है तो मोफिन की वजह से उसको रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो गया तो हम पेशेंट को नैलग्जोन देंगे तो अब इसमें नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा तो इसका ऑप्शन ये जाएगा कि हमें जो नेलोगजोन है फोर टू सिक्स आवर्स तक उसको असेस uh, करना है बिकॉज जो नैलग्जोन है इफ एक डोज में उसको पेशेंट uh, को रेस्पिरेटरी डिप्रेशन सही नहीं होता तो हम उसको थ्री टू फोर रिपीटेटिव डोज देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक पेशेंट है जिसको सर्वाइकल कैंसर है और रेडियो एक्टिव इम्प्लांट डला हुआ है बट अभी पेशेंट बोल रहा है कि मुझे यूरिन पास करना है तो इसमें नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा तो नर्स यही बोलेगी कि, कि आपको बेड से नहीं उठना है और उसको बेड uh, uh, से उठना बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड और उसको बेड पैन प्रोवाइड कराएगी तो ये इसका आंसर जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक पेशेंट है पेशेंट नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निडल्सट स्टिक इंजरी से क्या चीज़ ट्रांसफ़र नहीं होती है तो उसमें uh, टाइफस एक ऑप्शन था जो जो इसका आंसर होगा नेक्स्ट था कि प्लूरल इफ्यूजन जो है आ, किसी को है बट अभी वो इम्प्रूव हो रहा है तो किस सिम्टम से हमें पता चलेगा कि वो इम्प्रूव हो रहा है तो इसका आंसर डिजनिया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डीवीटी और पल्मोनरी एम्बोलिज्म से बचाने के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं उसमें एक्सेप्ट पूछा जैसे हिपेरिन और लेग एक्सरसाइज ये सब दिया था तो इसमें एक ऑप्शन था मैकेनिकल कंप्रेशन जो इसका आंसर जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एनाफाइलेक्सिस एक्सेप्ट तो इसमें ऑप्शन जाएगा कि कॉल फॉर अ डॉक्टर नेक्स्ट था कि स्टेट का क्वेश्चन था कि हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी में से लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी को अगर हम माइनस करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं तो इसका आंसर रेंज जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक पेशेंट है जिसको ब्लंट इंजरी हो गई है प्लस उसको न्यूमोथेरेक्स है तो इसमें नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगी या फिर नर्स को क्या देखने को मिलेगा तो उसको जो है डिमनिस ब्रिथ साउंड प्लस फ्लाइल चेस्ट देखने को मिलेगी नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक पेशेंट है जिसको सी टी एम आर आई होना है तो उसको उन्होंने कंट्रास्ट डाई डाला है तो ये इसका साइड इफेक्ट क्या होगा या ये क्या कोर्स करती है तो ये हमेशा नेफ्रोटोक्सिक जो होती है डाई तो इसका आंसर नेफ्रोटॉक्सिक जाएगा एक पेशेंट था जो जिसको सीजोफ्रीनिया था उसके अंदर वो सिम्टम्स आ रहे थे हम उसमें कौन सी ड्रग यूज़ करेंगे तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था अगला क्वेश्चन था कि एक पेशेंट है जिसमें ओपन अल्सर वुंड बना हुआ है प्लस ग्रैनुलेशन हो रखा है तो हम किस टाइप ऑफ ड्रेसिंग को यूज़ करेंगे नेक्स्ट जो कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था जिसमें फिफ्टी एम पर आर जो है आंसर था उसके बाद क्वेश्चन था कि एक पेशेंट है जिसको डाउट हो रहा है कि कोई मुझे मारना चाहता है तो ये एब्नॉमिलिटी किस चीज़ में तो उसके थॉट कंटेंट में एब्नॉमिलिटी है तो ये इसका आंसर जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक ओल्ड एज पीपल है उसमें उस आ, उसकी डाइट से रिलेटेड था कि उसमें हम क्या स्टेटमेंट सही है तो हम जो ओल्ड एज पीपल हैं उनको कॉन्स्टिपेशन का कंप्लेन रहता है तो हम उनको मॉडरेट अमाउंट ऑफ फाइबर देंगे अगला क्वेश्चन कुछ लीडरशिप से रिलेटेड था एक्चुअल क्वेश्चन मुझे याद नहीं है बट उसका आंसर लोगों ने बताया कि फॉर पेशेंट्स हु हैव फुल कैपेसिटी टू टेक डिसीजन ये उसका आंसर जाएगा एक क्वेश्चन था कि एक पेशेंट है और एक नर्स है दोनों साथ में मिलकर कोई मेडिकेशन तैयार कर रहे हैं बट वो चाहते हैं कि इस मेडिकेशन का उनके लाइफ स्टाइल कोई इफेक्ट ना पड़े तो वो किस चीज़ को ध्यान में रखेंगे तो इसका आंसर रेस्टिंग टोन जाएगा अगला क्वेश्चन था कि कोई एक मेडिकेशन है जो लीवर फेलियर में नहीं दी जाती तो इसका आंसर डाइक्लोफिनक जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कब के बारे में पूछा गया था उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कराने इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं होगा ये क्वेश्चन था नेक्स्ट डायसलफिराम से क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है अगला क्वेश्चन था कि एक कपल है ड्यू टू तो एनी डिजीज़ जो कपल की जो सेक्सुअल लाइफ है वो सही नहीं चल रही है जिसकी वजह से उनमें बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं तो नर्स क्या इंटरवेंशन करेगी तो नर्स क्या करेगी उनको सेक्स काउंसलर तो के पास रेफर करेगी तो फिर सेक्स काउंसलर के पास रेफर करेगी